हमारे लोकल बॉडी पंचायत विभाग, गौ सेवा आयोग, पशुपालन विभाग और जो गौ से संबंधित विभाग थे सभी के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी हमारे अमित अग्रवाल जी थे, बहुत सारे ACS थे और मुख्य मुद्दा ये था कि सबसे पहले तो हमने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाया है और अब एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि जो बेसहारा पशु हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं, उनको कैसे गौशालाओं में लेके आएं। और उसके लिए हमने चर्चा की कि जो एग्जिस्टिंग गौशालाएं हैं, जो आज के दिन उनमें गौएं या नंदी हैं, उनकी राशि भी हम बढ़ाएंगे और जो बेसहारा पशु सड़कों से जो गौशाला लेगी उसको विशेष राशि दी जाएगी ताकि वो सक्षम हो सकें ऐसे पशु को अपनी गौशाला में लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो गौशालाएं अपने पास रख पाएँ, ऐसी गौशाला फ्रेंडली नीति हम बनाएंगे। और उसके बावजूद भी जो अगर सारे पशु गौशाला में नहीं जा पाते तो हमारी जहाँ ज़मीन उपलब्ध होगी गौचरण की वहाँ पर गोवन बनाएंगे, फेंसिंग करके उसमें गौओं का चारा का पीने के पानी की व्यवस्था करके वहाँ पर हम उनको रखेंगे। और पिछली कैबिनेट मीटिंग में हमने फैसला कर दिया है कि पंचायत की ज़मीन के ऊपर भी सामाजिक संस्थाएं या पंचायतें या बहुत सारे जो गौ भगत हैं गौशालाएँ बनाना चाहें उनको भी लीज पर, लॉन्ग लीज पर सस्ते रेट पर ज़मीन देंगे। और इस सारे उसका लक्ष्य एक ही है कि सड़कों के ऊपर गोवंश ना हो, गौ की सेवा हो, हरियाणा के अंदर जो गौशालाएं आत्मनिर्भर हों और जो जो उनके गौ के प्रोडक्ट बन रहे हैं जैसे कि प्रोम है, पेंट है या खाद है उसकी या जीवामृत है, घनामृत है, जो जो गौ के गौमूत्र से या गोबर से जो चीज़ बन सकती है वो बनाने के लिए गौशालाओं को हम प्रेरित करें। और इस दिशा में हमने आज मीटिंग की है, अगली मीटिंग के अंदर सब चीज़ों का मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करके हम फैसला कर दें। हम दो तरह की काम कर रहे हैं कि या तो गोवन, ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़मीन है तो उसको खुले में फेंसिंग करके पानी चारे का इंतजाम करके उस गोवन बना दें। और पिछली कैबिनेट मीटिंग में हमने फैसला कर दिया है कि पंचायत की ज़मीन पर कोई गौशाला बनाना चाहता है तो उसके सस्ते रेट पर उसको लीज पर ज़मीन दे करके गौशाला बनाई जाए।